Hi, this is Poonam Sharma and welcome to Sadbhawna News. शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि केंद्र सरकार को बिल लाने से पहले राष्ट्रहितैषी और कृषि के विशेषज्ञों से संपर्क करना चाहिए था। दो चार राजनेता मिलकर निर्णय ले लेते हैं, बाद में व्यक्तित्व का प्रश्न बना लेते हैं। किसान पंजाब के मुख्यमंत्री के बल पर नाचते थे, जबकि वो पहले ही अमित शाह से जाकर मिल चुके हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भाजपा द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगने पर कहा, अशोक सिंघल जी के शासनकाल में भी चंदा मांगा गया था, अभी भी मांगा जा रहा है। चंदा देने वाले हिसाब किताब लें, मुझसे कोई चंदा लेने आता है तो मैं भी हिसाब किताब मांगूंगा। महाकाल मंदिर क्षेत्र में खुदाई के दौरान निकले प्राचीन मंदिर के अवशेष पर कहा कि धार्मिक क्षेत्र में शासन तंत्र हस्तक्षेप ना करे, सहभागी बनना चाहिए, नेतृत्व अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में राजनेताओं को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राजनेता संतों आचार्य को अपना प्रचारक बनाना चाहते हैं, वो संतों को अपने से ऊंचा नहीं देखना चाहते, ये देश के उत्कर्ष का लक्षण नहीं है। हमारे सहयोगी महरुद्दीन कप्तान की रिपोर्ट। मन रही है। पहले तो शासन तंत्र का यह दायित्व था, कृषि को लेकर जो भी निर्णय लिया केंद्रीय शासन तंत्र ने, जो राष्ट्र के हितैषी हैं और विशेषज्ञ हैं कृषि विभाग के, उनसे संपर्क स्थापित करना चाहिए था। होता क्या है, दो चार राजनेता मिल करके निर्णय ले लेते हैं, बाद में वो व्यक्तित्व का प्रश्न बना लेते हैं। दूसरी और बात यह है कि कृषि गौरक्ष वाणिज्य गोवंश का अनादर कृषि क्षेत्र में भी है, गोबर आदि का उपयोग नहीं है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।